पाटीदार आंदोलन की अगुवाई करने के बाद हाल ही में कांग्रेस में आए हार्दिक पटेल मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे। उन्होंने यहां कहा कि जो बीजेपी सरकार के साथ है वो देशद्रोही होते हुए भी देशभक्त ही माना जाता है। उन्होंने अपने चुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर कहा कि अगर मैं बीजेपी में होता तो चुनाव लड़ सकता था, क्योंकि भोपाल में मेरे जैसा ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। पटेल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है तो बीजेपी हिंदुत्व और पाकिस्तान के मुद्दे लेकर उतरी है। 5 चरणों के मतदान के बाद पटेल ने कहा कि अब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, गुजरात में 13 से 14 सीटें आएंगी। समर्थन में आने वाले वहीं पर इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ अभद्री भाषाएं का उपयोग हो रहा है। जिस राजीव जी ने इस देश को संचार के माध्यम में, क्रांति के माध्यम में इस देश को मजबूत करने का, 21वीं सदी में इस देश को मजबूत करने का काम किया था, अब उन्हीं राजीव गांधी को कहीं ना कहीं खराब दिखाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर